तो गाइज ये रहा मेरा स्टोर जो कि देखने में कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। लेकिन एक सेकेंड, अबे ये कौन आ गया नूबड़ा, मेरे को सही से स्टोर भी नहीं दिखाने दे रहा है। ओके गाइज, तो ये रहा हमारा छोटा सा दुकान जो कि सुपरमार्केट में है, और ये रहा मार्केट जिसका ग्राफिक्स कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। तुम लोग खुद ही देखो यार, खुद ही बताओ, और इसमें गाड़ी भी चलती है। ओके, तो अब चलते हैं अंदर, देख लेते हैं क्या क्या है। ओके, यहाँ पर एक डोर है जो कि लॉक्ड है, नहीं खुल रहा है। एंड यहाँ पर दो सेल्फ है जिस पर हम लोग अपने सामान रख सकते हैं बेचने के लिए, और इसे घसका भी सकते हैं का। एक मिनट, यहाँ पर रखते हैं, चलो इसे रख देते हैं। एंड यहाँ पर एक स्विच है जिससे, अबे रुक जा, टिप लेने दे। ओ, लाइट भी बर गया। अबे भाई कुछ ज़्यादा ही रियलिस्टिक ले जा रहे हैं लोग तो। यहाँ एक मॉनिटर है, यहाँ एक बिलिंग मशीन है जो कि आइटम को स्कैन कर कर उसका पैसा निकालेगा, और ये कुछ ऐसा दिखता है हमारा। इसको हम लोग कुछ अलग ही बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे लाना होगा इसमें कुछ सामान, लेकिन मेरे पास $80 ही है। इसमें क्या मैं मंगा पाऊँगा, चलो देखते हैं मार्केट में हिल के। ये $35 का है चारकोल, ब्रेड भी भाई $11। अरे भाई इसमें तो कोई सही से सामान ही नहीं आ पाएगा। ये देखो, ये 6.32 डॉलर, चल के देखते हैं बैंक पे। ओ, यहाँ से लोन ले सकते हैं, $750 मिल रहा है, ले ले रहे हैं लोन, और अभी मेरे पास $800 हो गया। अब सभी चीज़ों को मंगाते हैं, दो दो क्वांटिटी में मंगाते हैं। लेट्स गो, ऐड टू कार्ट करो, जल्दी जल्दी ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ मैं सबको। ये पास्ता भी है, ओके इसे भी ऐड टू कार्ट करते हैं। एंड $160 लगा है, और इससे परचेज कर लिया। चल कर देखते हैं बाहर, शायद आया होगा सामान। ओ ये रहा, अबे भाई कौन बदतमीज है, ऐसे ही फेंक कर चला गया। भाई कौन डिलीवरी मैन है भाई, ऐसे ही मेरा बॉक्स फेंक दिया। अरे अच्छा से धर देता यार, रोड पर फेंक के गया है। चलो अब जल्दी से इसको हम लोग अपने सेल्फ में रखते हैं। लेट्स गो, ये पास्ता है, इसे यहाँ पर रखेंगे। चलो, एंड हम भी गंदगी करेंगे भाई, रोड पर ही फेंकेंगे। भाई पार्सल वाले में गलती है, ओ भाई फेंकेगा तो मैं नहीं फेंकूँगा। और ये रहा ब्रेड, ब्रेड भी रख देते हैं, वो भी भाई रोड पर फेंका है, मैं भी रोड पर फेंक रहा हूँ। एंड ये देखते हैं, ये चारकोपिक है, चोकोपिक, ओ चारकोपिक बोल रहा हूँ, चोकोपिक, इसे भी रख दिया, ये ले बीच रोड में फेंकूँगा। और ये क्या है भाई, ये फिर से ब्रेड, मैंने दो दो के क्वांटिटी में मंगाया था तो ये दो दो के क्वांटिटी में है, और फिर चोको पीक ये भी दो दो के क्वांटिटी में पूरा हुआ। एंड ये है आटा, इसे भाई इंग्लिश में मैं नहीं जानता, हिंदी में जानता हूँ। और ये रहा ऑयल, तेल, इसे भी रखते हैं जल्दी से। अबे रख जा भाई, अभी सभी चीज़ें मैंने रख दिया है, अब इन पर प्राइजिंग करना है। ऑयल का मार्केट रेट है 4.50, और ये $1.50 में मिलता है, तो इसका हम लोग रखेंगे $5। और ये है फ्लोर माने आटा, इसका मार्केट रेट 3.71 है, और एवरेज रेट $0.79 है, तो इसे $4.50 रखेंगे। लेट्स गो, ये रहा ब्रेड, $0.09 में मिल रहा है, और 3 इसका डॉलर है तो मार्केट में, तो इसे $4.50 में। और ये रहा पास्ता, इसका भी बहुत कम है एवरेज, लेकिन हम लोग $4 रख रहे हैं, मार्केट प्राइस से ज़्यादा ही हम लोग रख रहे हैं। ये रहा चारकेल, चारकेल चोको पी के उस पर लिखा है बे, इसका दाम भाई बे 5.98 है। चलो इसको भी रखती है, मार्केट प्राइस से हम लोग ज़्यादा ही रखे हैं। अब ओपन करते हैं अपना मार्केट, अब चलो देखते हैं, तब तक मैं इसे रख देता हूँ, तब तक ग्राहक आ रहे हैं, इसे डाल दे रहा हूँ कूड़ा में। भाई मैं उनके जैसा नहीं हूँ भाई, कहीं पर फेंक कर जा रहे हैं, बताओ ऐसे होता है। अबे मैडम जी चलो चलो, अबे नई दुकान खुला है, कोई आ ही नहीं रहा है, ये क्या बात हुई भाई। अबे आ जा, ये आएगी ये आएगी। अबे भाई देख ले तो, यहाँ पर दुकान खुला है, मार्केट है भाई, अभी तो कोई आ ही नहीं रहा है, काफ़ी देर हो चुका। A few moments later. ओके गाइज, तो अभी मैंने कुछ और सामान मंगा लिया था, और ये हमारा पहला कस्टमर आ चुका है, देखते हैं क्या लेता है। ब्रेड, पहला ही शुरुआत ब्रेड से हुआ।
लेट्स गो। चलो शुरुआत तो हुआ, बहुत ज़्यादा देर लग गया भाई पहला कस्टमर आने में। लेट्स गो, इसे क्लिक करते हैं, ये पैसा दे रहा है। अबे साले $50 दे रहा है $4 खाती भाई, हट चेंज ले आया कर बे नोबड़ा। ये ले रहा है ऑयल है, ओके इसका कार्ड है तो कार्ड स्कैन करते हैं इसमें $5। ये सही है भाई, कार्ड ही ले आऊँ, जितना करना होगा मैं कर लूँगा। ये क्या ले रहा है बे, दो सामान लिया है, जो मैंने अभी एक मंगाया है और एक ऑयल लिया है, इसको भी स्कैन करते हैं $10। देते जा भाई, हमारा प्राइस मार्केट प्राइस से ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट कुछ ज़्यादा ही मिलेगी। कुछ बंदे घूमकर भी जा सकते हैं जो अलग अलग दुकान पर गए होंगे। ये लिया ब्रेड और आटा, चल आटा लिया है तो भाई रोटी बना ले, ब्रेड क्यों ले रहा है। चलो इसको भी देते हैं भाई, ये ले $1 अपनी निकल फुट। ये ऑयल लिया, तेल का बिक्री ज़्यादा है का बे, इसको भी। अबे भाई चेंज लाया करो यार, सूसु ये क्या है बे, इसको मैंने देखा नहीं सही से। लेट्स गो, $5 में ये भी गया, ऑयल भी जा रहा है, ऑयल थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बिक्री हो रहा है इसका। चल बे निकल। ए चोको चीको फिरो भाई, इसका नाम ही नहीं मालूम, चलो बेचो कोई बात नहीं, नाम से क्या मतलब, इसका सूसु नाम है। अबे कैसा नाम है भाई, पास्ता ले रहा है। चल कार्ड वाला भाई तुम लोगों का स्वागत है, आओ जितना डॉलर लेना है कार्ड वाला सही है भाई, चेंज देने का मन नहीं कर रहा है। अभी तक शाम हो गया मुझे बेचते बेचते, अभी मेरा लेवल भी बढ़ चुका है, 2 लेवल हो गया है, इसे भी जल्दी से लेते हैं। ऑयल दो दो ले जा रही है कि भाई इतना भी ज़्यादा घट गया, कहाँ करूँगा तेल। ये ले 15 में, अभी लाइट बार देते हैं। लेट्स गो, आजा पास्ता और आटा, वाह भाई क्या कॉम्बिनेशन है, रोटी के साथ पास्ता खाएगी, ले जा। एक भी डॉलर नहीं, अबे कुछ बोलती हुई जा रही है। ओके गाइस, अभी बहुत ज़्यादा रात हो चुका है तो मुझे लगता है बंद कर देना चाहिए आज के लिए। और ये रहा मेरा पहला दिन का, 22 कस्टमर आए जिसको ₹1 ज़्यादा दिला गया मुझसे, और अभी हम लोग माइनस में, प्रॉफिट में नहीं है क्योंकि बहुत सारे सामान मंगाए हैं ना, इसलिए अभी माइनस में चल रहे हैं, लेकिन सामान के हिसाब से देखें तो प्रॉफिट है। ओके गाइस, सुपरमार्केट में आज हमारा है डे 2, और डे 2 में ओपन करते हैं हम लोग दुकान। और आज के दिन कुछ खास नहीं गया, बस कस्टमर बहुत ज़्यादा आए तो उनको हम लोग सर्व किए और कुछ सामानें भी मंगा लिए, एंड आज का डे ख़त्म करते हैं इसको देखकर। लेट्स गो, एंड आज का स्टैक अब देख लेते हैं। ये देखो डे 2 में 16 कस्टमर आए जी, जो कि भाई एक को लगा कि मैं एक्सपेंसिव बेच रहा हूँ ज़्यादा दाम में, एक कस्टमर को लगा, और बाकी आज भी हम लोग लॉस में हैं, प्रॉफिट हुआ नहीं है। तो अभी डे 3 चालू करना होगा, एंड डे 3 अभी चालू हो चुका है, एंड ओपन करते हैं अपना मार्केट, एंड लेट्स गो। ये आ गया आटा के साथ कस्टमर, इसको भी देते हैं, ले $9 भाई। अब हमारी दुकान सही से चलने लगी है, कस्टमर भी आ रहे हैं, तो आज का मेरा टारगेट है लेवल 4 करके इस वाले जो रूम है इसको बड़ा करना, अपग्रेड करना है इसे। तो लेट्स गो, अभी देख लेते हैं, बिल आया अबे, बैंक वाला भी आया है और रेंट भी, तो दोनों को पे कर देते हैं, ये रखना नहीं चाहिए हमें कोई भी बिल हो। और आज फ्रीज़र मंगाएंगे एक, ताकि कुछ और एक्स्ट्रा सामान रख सकूँ, जैसे बोतल हो गया, कॉफ़ी हो गया, और एक भी रख सकते हैं फ्रीज़र में। तो ये वाला मैंने मंगा लिया, चौड़ा वाला फ्रीज़र, सबसे चौड़ा वाला, थोड़ा महंगा भी है तो काम का होगा ना भाई। ये आटा है लेगी मैडम जी, ये लो आटा, आपका आटा घट गया है, ऐसे ही आया करो मेरे। अबे ये कितना सामान ले रहा है, अभी पहला कस्टमर है जो इतना सामान लिया, कितना डॉलर का, $31 भाई, सही में पहला कस्टमर है इतना सामान लेने वाला। ये देखो नोबड़ा को एक सामान लेकर जा रहा है, क्या बेसाले तुम इतना ही खाते हो। ये देखो पास्ता 2 ले रहा है, ले जल्दी ले आ बुड्ढे, जल्दी ले आ, ये भी ले, ये तेल पिएगा कब है, तेल कम पिया कर, दौड़ने पर ध्यान दे, $10। ये मैडम जी आप ब्रेड बहुत ज़्यादा खाते हैं, खा लीजिए, हमें क्या, हमें तो पैसा चाहिए बस, $9 नहीं $9 पे। ये ले
फॉलो फॉलो में कुछ भी बुलाया जा रहा है। बाकी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अभी हमारा सामान आ चुका है जो कि है फ्रीजर, और आज हम लोग पहले ही दुकान बंद कर देंगे क्योंकि हमें ये सेट करना होगा। ये देखो यहाँ पर, ये ले भाई, लग जा लग जा, ये ले। ये देखो फ्रीजर, ये चौड़ा वाला हमने मंगाया है। यहाँ पर पास्ता भी मंगाया था, रख देते हैं इसका भाई चेंज है। ये ले भाई चेंज, भाई ले अपना, तू जा, मेरे को बंद करने दे। बंद हो गया है। अब थोड़ा ऑयल वॉयल रख देते हैं, जो सामान है हमारी ख़त्म हो चुकी है स्टोर में उसे रखते हैं। लेट्स गो, डे 3 का आ गया भाई। कस्टमर कम ही होते जा रहे हैं, 14 कस्टमर है। पहला दिन कुछ ज़्यादा ही था, दूसरा दिन 16, आज 14। आज तो और लॉस में है भाई, मैंने मंगा लिया वो फ्रीजर नो, इसलिए लॉस में है। चलो चौथा दिन हो गया शुरू, और बहुत सारे सामान मैंने मंगाया फ्रीजर के लिए, जैसे बोतल। अबे ये रखा क्यों नहीं रहा है इसमें। द प्रोडक्ट नीड टू बी प्लेस ऑन द फ्रिज, फ्रिज पर रखना पड़ेगा। कैसे रख दे बे, अबे यहीं से तो जाता है, उसमें रखो चाहे इसमें, ऐसे ही रखा जाता है यार, नहीं रखा रहा है यार। चौथा दिन ऐसे ही ख़राब गया, 9 कस्टमर आया भाई। एक तो फ्रिज बेकार आ गया, अब मैं क्या बताऊँ। अभी चलते हैं कुछ देखते हैं इसको अपग्रेड करने के लिए। ये रहा सेक्शन 2 रिक्वायर्ड लेवल 4, परचेज कर लेते हैं और हमारा ये स्टोर बड़ा हो जाएगा। लेट्स गो, ये देखो अबे किधर गया। अबे फ्रीजर वाला में बार बार मैं आ जा रहा हूँ यार, यहाँ से मंगाया सभी सामान है, कुछ भी नहीं बिक रहा है। ये रहा, ये परचेज हुआ सेक्शन 3 वाला। ये देखो यहाँ पर आ गया शीशा का, और ये देखो स्टोर का मतलब, ये देखो चौड़ाई बढ़ गया, ये इधर खाली हो गया, और बाहर से ये देखो शीशा का। अबे ये कुछ अलग ही बोर्ड लग गया सुपर मार्केट का भाई। यहाँ पर रखते हैं भाई, मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, वो उधर लेने जा रहा है। चलो अब इसको भी पीछे कर लेते हैं थोड़ा बहुत, अब आसानी हो गया ना, अब ज़्यादा स्टोर में जगह हो गया। अब यहाँ पर फ्रिज रखते हैं जो कि फालतू है भाई, इसमें अभी कुछ नहीं रखा पाया। ज़रा तुम लोग बताओ, कोई जानता है तो इसमें कैसे आइटम रखाएगा इस फ्रीजर में। एंड लेट्स गो गाइज, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।